हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? एट द रेट नेहू 25 चैनल पर। सो गाइस, फाइनली आज हम बनाएंगे एक न्यू वाली रेसिपी, जिसके लिए हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स और सारा सामान ले लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं हमने 5-6 और उनको अच्छे से मैश कर दिया है। और हम बनाने वाले हैं ईजी 5 से 6 मिनट में चीज़ी रेसिपी। और ये हमने अपने ब्रेड क्रम्स को, ये हमारे ब्रेड हैं। देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिए हैं काली मिर्च 7-8, जिनको हम अच्छे से खल्लड़ में कूट लेंगे। देन ये हमने अपनी सारी सब्जियाँ वगैरह, वेजीज वगैरह तैयार कर लिए हैं। उसके बाद लेंगे एक सूखी लाल मिर्च, उसको भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। देन गाइस, ये हमारे ब्रेड थे, इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं कढ़ाई में, ताकि इनको अच्छे से ग्राइंड कर सके मिक्सी में, और इनके क्रम्स अच्छे से एकदम क्रिस्पी और क्रंची से हमें लगने चाहिए। देन गाइज, अपनी हम काली मिर्च और ये लाल मिर्च अच्छे से कूट लेंगे। जो हमारे मैश आलू थे, उसके अंदर हमने थोड़े से चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर दिया है। देन उसके बाद गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे धनिया वगैरह, मिर्ची वगैरह सब कुछ डालने के बाद हम धीरे धीरे अपना ना जितनी भी वेजीज हमने कट की थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। देख सकते हो गाइज, आप इसमें हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। ये हो जाएगा अभी हमारा काला नमक, जिससे काला नमक से बिकॉज गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 2 टेबल स्पून इसमें हम नमक डालेंगे। देन 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली डालेंगे बिकॉज, और सारी वेजीज ऐड कर देंगे। 2 चॉप्ड अनियंस डाले हैं हमने इसमें, और शिमला मिर्च भी बारीक कटा हुआ डाला है। देन उसके बाद हमने इसके अंदर अपनी जो हमारी गाजर होती है ना, हमने उसको भी इसके अंदर डाला है। और अच्छे से पूरा वेजीज वाला बनाएंगे, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हो नमक वगैरह सब कुछ अच्छे से इसमें डाल लेंगे। देन गाइज, इसको हम अपने हाथों से ना अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे, ठीक है? सारा अपना इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम अपनी आलू की पिट्ठी बनाते हैं आलू के पराठे में, उसी तरह से हमें सेम तैयार कर लेना है ये पूरी आलू की पिट्ठी। देन बटे में इसमें अपनी अकॉर्डिंग जो वेजीज वगैरह होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्वीट कॉर्न वगैरह हो जाते हैं। देन इसको अपने हाथों से गाइस अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ना अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, ताकि टेस्ट जो है ना वो हमें इसका प्रॉपरली मिल सके, ठीक है गाइस? इस तरह से आपको इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, काफ़ी अच्छे से बना के तैयार कर लेना है अपना। और देख सकते हो इस तरह से, जैसे हम अपने हाथों से आराम से कर रहे हैं मिक्सअप, इसी तरह से आपको 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। देन गाइस, उसके बाद ये देख सकते हो हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे छोटा सा, जो जिसमें हम डालेंगे 5 टेबल स्पून जो कि हमारी हो जाएंगी मैदे की। देन गाइस, 5 टेबल स्पून मैदा, उसमें हम थोड़ा सा 2-3 चम्मच अपना अरारोट डाल लेंगे। हाँ, अरारोट और उसके बैटर को दोनों को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा अरारोट और सूजी हम अपने इस वाले डो में भी डालकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया है सेम आपको उसी तरह से ही करना है, ठीक है? बिकॉज इससे ना क्रंची और क्रिस्पीनेस अच्छे से आ जाएगी, और काफ़ी अच्छे से आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है? जब आप इसको फ्राई करोगे ना डीप, तब आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसको भी हमें अच्छे से अपने हाथों से इसके अंदर मिला लेना है, और अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है अपने हल्के हाथों से। आप देखेंगे ये पूरा ही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। अभी जो हमने अपना अरारोट डाला है इसके अंदर, और सूजी हमने 5 से 7-8 चम्मच डाली थी, और अरारोट उतना ही डाला था, दोनों को एक ही क्वांटिटी में अच्छे से इसको अब हम मिक्सअप कर देंगे। अब गाइज, ये देखो हमारा ये बनकर हो चुका है तैयार। देन ये जो हमारा मैदे और अरारोट का घोल है, ये भी हमने बना के तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से हमें अपने हल्के हाथों से इसको फेंटना है। आप हो सके आप गाइज इसमें धीरे धीरे ही करके पानी डालें, बिकॉज इसके अंदर ना बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए। अगर लम्स आएंगे ना इसके अंदर तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब इसको ना एकदम लिक्विड फॉर्म में आपको तैयार कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ना काफ़ी अच्छे तरीके से बना लेनी है हमें, ठीक है?
और इसको अच्छे से फेंटने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। देन गाइज ये भी हमारा काम हो चुका है, हमारा डो भी रेडी है, हमारा लिक्विड बैटर भी रेडी है। देन गाइज इसके अंदर अब हम तैयार कर लेंगे अपने ब्रेड क्रम्स को। तो हमने अपनी मिक्सी में डाल दिए हैं अपने ब्रेड क्रम्स। देन उसके बाद आप देख सकते हो ये रहे हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम इनको सो गाइस अपने हाथों में हमें ऑयल लगा लेना है। देन आप देख सकते हो इस तरह से हमारा जो हमने अपनी आलू का पिट्ठी बनाया था उसको गोल करेंगे। देन उसके बीच में अपना एक चीज़ क्यूब रखेंगे। देन उसका जो हमने पानी में घोल बनाया था उसमें इस बॉल को डिप कर लेंगे, चीज़ बॉल को अपनी जिसके अंदर हमने चीज़ क्यूब रखी है इसके बीच में। देन गाइस उसके बाद जो ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं इसके अंदर हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे इसी तरह से हल्के हाथों से, है ना। सारे ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छे से चिपक जाने चाहिए इसी तरह से, काफ़ी सारी चीज़ बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। देन गाइस इसके बाद अब देखो हमने अपने चीज़ बॉल्स को डीप फ्राई कर दिया है। आप ना इसको देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसका कलर आया हुआ है एकदम गोल्डन ब्राउन करके। इसी तरह से ना आपको बाकी की चीज़ बॉल्स भी बनाकर रेडी कर लेने हैं। देख सकते हो गाइज इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपको अपने सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखने हैं और होममेड बन जाएगा इजीली। और आपको कुछ भी नहीं लाना है बाहर से, बस आपको बाहर से सिर्फ चीज़ खरीदना पड़ेगा और ब्रेड वगैरह बस, बाकी सब चीज़ तो आपके घर में ही होती है। पोटैटो वगैरह और सारी वेजीज़ वगैरह जो कि कैरेट वगैरह होती हैं, है ना। तो इस तरह से हमने अपनी सारी चीज़ बॉल्स को अच्छे से कर लिया है डीप फ्राई, आप देख सकते हो। देन गाइज उसके बाद अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ बॉल्स को इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा इनका कलर आ गया, एकदम क्रिस्पी और क्रंची लग रही हैं देखने में ही, और खाने में भी इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जिस तरह से मैंने बनाए हैं उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। देन अब गाइज हम एक एक करके इनको सबको निकाल लेंगे। अब बारी आती है इनको अपने प्लेट में सजा कर रखने की। देन आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से मैंने इसको रेडी करके सजा लिया है अपने प्लेट में, और इसको हम इमली की चटनी के साथ, दही के साथ और क्या कहते हैं हरी चटनी के साथ भी अच्छे से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था गाइज, इसमें चीज़ पुल भी हो रहा था और मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा। घर में ये सबको पसंद आया, आई होप आपको भी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। 5 से 6 मिनट में इजीली ये बनके रेडी हो जाती है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू, सी या एंड बाय बाय।